फ्रेंड्स, आई एम रामकृष्णा चार्ली। आज के लेक्चर में हम पुश और पॉप का कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और पुश और पॉप का यूज़ करके हम रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो मेरे पास ये एक प्रोग्राम गिवेन होगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम इज असेंबली लैंग्वेज टू रिवर्स ए गिवन नंबर या स्ट्रिंग या कैरेक्टर, नंबर या आप कैरेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम नंबर चेक करते हैं, बाद में कैरेक्टर भी देख लेंगे। ओके, तो अब हम इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर से पहले बता देता हूँ कि जो पुश और पॉप है वो पार्ट ऑफ स्टैक है। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ और जब भी पुश एंड पॉप का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसकी डेफिनेशन बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखता हूँ, मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H डॉट डेटा डॉट कोड बिगिन एंड बिगिन। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर हो गया और मैं अपने स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरी मूव CX कॉमा 0। ओके, फिर मैंने एक लेबल लिया है, लेबल जिसको हम लूप कहते हैं। मैंने फिर इस लेबल को यहाँ कॉल यूज़ किया है और फिर मैंने मूव AH कॉमा 1, ये मेरा इनपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है जब इंटरप्ट 21H। ठीक है, फिर मूव मेरा बेस रजिस्टर है और ये मेरा एल रजिस्टर है। फिर मैं इसको कंपेयर करता हूँ BL के अंदर और ये फिर मेरा 0DH। अब ये DH क्या है, 0DH क्या था, 0DH इज इक्वेलेंट टू 30, ये पता होगा, 13 डेसिमल एंड टू कैरिज रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं हम। मैंने आपको बताया हुआ कैरिज रिटर्न के लिए 30 बताया था और 10 बताया था। ओके, अब फिर ये कैरी रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं, कैरिज रिटर्न के लिए। ओके, अब फिर मेरा नेक्स्ट है जंप, ये मेरा L2, मैंने एक लेबल और ले लिया है। ठीक है, जंप ये मेरा जंप कंडीशन के लिए होता है। और फिर मैंने यहाँ पे ये मेरा एक्चुअली जो ये है L2 है मेरा न्यू लाइन के लिए है, मैं लिख भी देता हूँ जो L2 मैं यूज़ कर रहा हूँ, L2 न्यू लाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं पुश लिखता हूँ, पुश और ये BX। अब ये पुश की डेफिनेशन क्या होती है, पुश की डेफिनेशन होती है विच एड एन एलिमेंट टू द कलेक्शन। ओके, तो विच पुश विच एड एन एलिमेंट टू द कलेक्शन के लिए होता है। ओके, इसके लिए हम पुश यूज करते हैं। अब ये फाइनली मैं इंक्रीज करता हूँ काउंट रजिस्टर के अंदर, एक इंक्रीमेंट किया है मैंने, फिर जंप मैंने, फिर मेरा एक है जंप कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ और फिर मैंने L1 को यहाँ पे कॉल कर लिया है। और फिर नेक्स्ट है मेरा L2 जो कि मैंने यहाँ न्यू लाइन के लिए यूज़ कर रहा था, उसको मैंने यहाँ कॉल किया है। और फिर मूव AH कॉमा 2, ये मेरा आउटपुट के लिए होता है। मूव DL कॉमा 0AH। ओके, ये DH और फिर इंटरप्ट 21H, फिर मूव DL कॉमा 0AH। ये जो होता है ये वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और ये मेरा 10 होगा। ओके, और ये मेरा फीडबैक फीड के लिए होता है, फीड लाइन के लिए होता है, लाइन फीड के लिए, तो सॉरी लाइन लाइन फीड के लिए यूज़ करते हैं इसको हम। ओके, और फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो इंटरप्ट 21H से बाहर निकलने के लिए है। और फिर मेरा एक और लेबल लूंगा मैं 3 का,
लेवल 3 का एक मैं लेवल 3 लेता हूँ, ओके। फिर मैं पुश का यूज़ करता हूँ और डीएक्स के अंदर इसको मूव करता हूँ, int_21h। फिर मैं लूप L3 को एंड करता हूँ, ओके। ये लेबल मेरा सेमी कॉलन होना चाहिए था, ओके, कॉलन होना चाहिए था। और फिर मेरा यहाँ प्रोसीजर, मैंने इसको एंड कर दिया। अब ये पुश की डेफिनेशन मैं बता दें तो पुश होता क्या है बेसिकली। पुश जो होता है मेरा, विच रिमूव द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट दैट वाज नॉट एट रिमूव, ओके। ये रिमूव इसके लिए यूज करते हैं। तो मतलब ये फाइनली इसकी डेफिनेशन बता दी है, और मैं एक बार इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फाइनली इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ। ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, ये मेरा एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर था। इसके अंदर मैंने बिगिन के अंदर ये मैंने काउंट रजिस्टर का यूज़ करा है, और उसके बाद फिर मैंने एक लेबल यूज़ किया है, फिर मूव ई एच मेरा इनपुट के लिए होता है, फिर मैंने सेकंड है मेरी स्टेप ने बी एल और ई एल की वैल्यू इंस्टॉल कर दी है, और फिर मैंने इसको कंपेयर किया है, और 0DH को मैंने आपको बता दिया है कि मेरा कैरी रिटर्न के लिए यूज़ होता है। और फिर मेरा ये एक दूसरा लेबल है, ओके, ये मैंने जंप इक्वल का यूज़ किया है, और फिर मैंने पुश का यूज़ किया है। पुश के अंदर BX जो मेरा बेस रजिस्टर है उसको मैंने पुश किया है, और पुश की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और फिर इंक्रीज़ किया है मैंने, ये मेरा एक काउंटर रजिस्टर है जिसको मैंने इंक्रीज़ किया, और ये जंप मेरा एक किया है, जंप मतलब जंप कंडीशन मैंने चेक की है। देन इसके बाद मेरा एक लेवल 2 लिया है जिसको फिर मैंने यहाँ पे आउटपुट के लिए है ये, और ये मेरा फाइनली ये भी कैरेज रिटर्न करेगा, और ये फिर से बाहर निकलने के लिए। और फिर ये मेरा नेक्स्ट है DL, ये जो मेरा फिट ये लाइन फिट के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और ये फिर इसके अंदर ये मूव हो जाएगा AL के अंदर। ये रजिस्टर मेरा सॉरी DL रजिस्टर जो कि डेटा रजिस्टर है, और ये इंटरप्ट यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये फाइनली थर्ड है मेरा जो लेवल लूप यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरा पुश है, ये बताया है मैंने पुश की डेफिनेशन क्या होती है, और ये फिर इससे बाहर निकलने के लिए इसको फिर मैंने लूप को यहाँ मैंने एंड कर दिया, और फिर मेरा फाइनली एंड है प्रोग्राम का, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, इसका आउटपुट कैसा आता है। इसका मैं लेक्चर 26 करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और ये फाइनली .asm असेंबली के नाम से सेव होता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसको फिर मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैंने रन किया, और ये स्क्रीन ब्लैंक सी स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ चार्ली, और फिर मैं एंटर करता हूँ, ओके, मैं एंटर करता हूँ तो ये फिर चार्ली लिख देगा, ओके। और यदि फिर आप कोई नंबर चेक करना चाहते हैं, कोई भी नंबर वगैरह भी चेक करना चाहते हैं, तो आप इसको दोबारा कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद रन करेंगे, रन करने के बाद 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखते हैं, और ये फिर एंटर करते हैं 6 5 3। तो ये फाइनली मेरा एक आउटपुट है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर रिवर्स चेक करना चाहते हैं, कोई भी स्ट्रिंग होगा आप उसको रिवर्स चेक कर सकते हैं, ओके। और फिर ये कोई नंबर हो या कोई कैरेक्टर हो, तो बस इस प्रोग्राम में यही था। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कुछ भी आपको डाउट होता है प्लीज़ मतलब कमेंट्स में लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिएगा यदि पसंद आता है तो, ओके।